नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी स्लैब का कास्टिंग कैसे करते हैं। अभी आरसीसी स्लैब के लिए सबसे पहले स्टेजिंग शटरिंग करते हैं, उसके बाद में उसका प्लेट्स या फिर स्टील्स जो भी है वो पूरा बॉटम बिछाते हैं, फिर रेनफोर्समेंट या स्टील का बाइंडिंग करते हैं, फिर कवर ब्लॉक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर साइड का शटरिंग करते हैं। इसके साथ ही कंड्यूट्स का पाइप्स वगैरह जो भी है वो भी बीच में लगाते हैं, और इसके साथ भी कॉन्क्रीटिंग कैसे करते हैं ये हम अभी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एक स्लैब है, एक पुराने घर का, जैसे डिसमेंटल करके एक नया लोग घर का ये बना रहे हैं, तो उसी का एक स्लैब है। इसमें आप देख सकते हैं और एन्फोर्समेंट कैसे बिछाया हुआ है, उसके साथ ही वो कंड्यूट पाइप्स वगैरह वो भी डाला हुआ है। ये पाइप्स मेनली वायरिंग वगैरह उसके लिए रहता है। ये आप एन्फोर्समेंट का जल्दी देख सकते हैं दोनों तरफ से। इसमें मेन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दोनों है, बीच बीच में ये बीम्स है, बीम भी देख सकते हैं। इधर ये साइड में एक आपको डक्ट भी दिख रहा है, देखें डक्ट साइड में है। ये सब अभी आप देख रहे हैं पूरा मेनली पाइप्स है कंड्यूट्स के लिए, ये बीम का है। इसके साथ ही ये आगे पूरा कैसे बिछाया हुआ है उसका पूरा डिटेल है। ये डक्ट है, उसका सेंटरिंग है, शटरिंग वगैरह कैसा किया हुआ है। साइड में बीम्स है, बीच में भी ये बीम्स है, आरसीसी बीम्स, ये भी आप देख सकते हैं। ये पूरा मतलब कॉन्क्रीटिंग करने से पहले पूरा रेनफोर्समेंट क्लियर किया जाता है, कवर ब्लॉक्स भी लगाया जाता है। अभी हम देखेंगे कॉन्क्रीट का एक मिक्सचर मशीन है, ये एक बैग का मिक्सचर मशीन है। इसमें M25 का कॉन्क्रीट इस्तेमाल किया गया है और ये वे बैचिंग किया गया है। इसमें जैसे कि अभी सॉरी इसमें वॉल्यूम बैचिंग है, मतलब 112 है, मतलब एक सीमेंट है, एक रेती है और दो एग्रीगेट है इस हिसाब से। और ये एग्रीगेट 20 mm और 10 mm दोनों हैं, तो उसका 60% 40% है, 20 mm 60% और 40 mm 20 mm 60% और 10 mm 40% है। तो ये एक वन बैग का मिक्सर है, ये मिक्सर में सारे में ऑपरेटर है। ये देखिए पूरा वन बैग का पूरा मिक्सर डाल के 112 करके इसका वॉल्यूम मिक्सिंग होने की वजह से ये पूरा 112 के हिसाब से डालते हैं, फिर वो हंडी में ये डाल रहे हैं और ये हंडी पूरा घुमाते हैं। इसके अंदर एक ब्लेड रहता है, वो ब्लेड के चलते पूरा कंक्रीट ठीक से मिक्स हो जाए करके उसके हिसाब से ये हंडी घुमाते हैं। और बाद में ये जो हंडी है इसको साइड में एक विंच मशीन का पूरा सेट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, या फिर इसको लिफ्ट भी बोल सकते हैं। उसका एक स्टेजिंग रहता है और स्टेजिंग के साइड में यह बकेट रहता है, और वो बकेट ये कंक्रीट को ऊपर के लेवल में लेके जाता है स्लैब कंक्रीट के लिए। इधर आप देख सकते हैं ये बकेट है, देखिए ये बकेट टाइप है इसके, ये देखिए वो ऊपर जा रहा है, ये विंच मशीन या लिफ्ट बोल सकते हैं उसको। इसमें ये स्लैब के ऊपर जाता है और वहाँ से ये उधर एक ट्रॉली है, वो ट्रॉली में गिराता है, और वो ट्रॉली से स्लैब का लोकेशन जहाँ है उधर वो जाके उधर पूरा डाल देता है। फिर वहाँ सब लेबर वगैरह रहते हैं, वो लोग कंक्रीटिंग शुरू करते हैं। देखिए ये पूरा डाला हुआ है, इसमें पूरा कंक्रीटिंग का भी देखिए, इधर वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये 60 का नीडल है। ये कंक्रीट करते समय सबसे पहले ये बीम्स, साइड के बीम्स वगैरह हैं, ये बीम्स पहले एक लेयर में भर देते हैं, उसके बाद में स्लैब का कंक्रीटिंग कर देते हैं। और ये कंक्रीटिंग करते करते ही समय ही इसका वाइब्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये 60 का नीडल्स का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आप इधर देख सकते हैं, ये 60 का नीडल यूज़ किया है। और ये कंक्रीटिंग करते समय ये देखिए ये ट्रॉली से वो जो विंच मशीन से आया हुआ कंक्रीट उधर लोकेशन पे गिराते हैं, उसके साथ ही ये लेबर से उसका पूरा स्प्रेड करके वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट पूरा करने के बाद में उसको लेवलिंग भी करते हैं, और ये लेवलिंग करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं, जैसे वुडन का ही दे देखिए एक पट्टी वगैरह है। इसके साथ ये आने जाने के लिए वॉकवे टाइप ये वुडन का ये पूरा ये दिखाई देखिए बेस है पूरा,
और ये जो बैटन का वुडन का लगा है ताकि वो आने जाने के लिए सुविधा हो सके इसीलिए, और साइड का स्टील डिस्टर्ब ना हो सके इसके लिए है वो। और ये कॉन्क्रीटिंग करते समय ये लोग कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, पूरा सबसे पहले बीम्स का करके एक लेयर करके बाद में स्लैब का करते हैं। अब ये देखिए पूरा इसका आ रहा है, ट्रॉली का कंक्रीट आ रहा है, ये कंक्रीट आके वो जगह पे गिरा देते हैं, फिर लेबर लोग उसको पूरा स्प्रेड करते हैं और फिर कॉम्पैक्शन वाइब्रेशन करके कॉम्पैक्शन करते हैं, और इसका लेवलिंग साथ में कॉम्पैक्शन होने के बाद में उसको एक लेवल करने के लिए वुडन पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरह से उसको एक लेवल बनाते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये कॉन्क्रीटिंग करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना कि वाइब्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये इसमें 60 का नीडल ये लोग यूज़ कर रहे हैं, 60 mm का नीडल, इसमें अलग अलग नीडल्स रहते हैं, 60 mm, 40 mm, तर उसके बाद ही कॉम्पैक्शन होने के साथ साथ में ये बाद में इसका लेवलिंग भी किया जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये पूरा वाइब्रेशन होने के बाद में ये पूरा लेवलिंग करते हैं। दोस्तों ये कॉन्क्रीटिंग करते समय एक ध्यान में रखना है कि कॉन्क्रीट का ये इसमें नीचे जब ये विंच मशीन से ऊपर आता है तो उधर डालते समय जो प्रॉपर लोकेशन पे डालते हैं, तो डालने के बाद इमीडिएट उसको स्प्रेड करके वाइब्रेशन करना है। अगर ज़्यादा देर उसको वैसा ही रहा तो वो कंक्रीट सेट हो जा सकता है या फिर हार्ड हो जाता है। इधर ही देखिए लेवलिंग करने के लिए ये जो पट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वुडन का पूरा एक लंबा वाला पट्टी है वो देख सकते हैं आप, पूरा एक साइड से लेवल करने के लिए लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना स्लैब का कास्टिंग का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।